अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे हैं एसएन इलेक्ट्रिकल आपका चैनल। दोस्तों आप सभी के घर में आयरन बॉक्स होगा, तो दोस्तों आप जब भी आप आयरन खरीदते हैं तो खरीदने के वक्त जब शुरू शुरू में आयरन का सॉल्ट प्लेट इस तरह से साफ होता है, उसके बाद कई दिन गुजरने के बाद, कई महीने गुजरने के बाद दोस्तों उसके ऊपर मैल आ जाता है। देख सकते हैं इस तरह से पूरा मैल बढ़ जाता है। आप जब भी इस्तरी करते हैं तो सही से इस्तरी नहीं होती है। तो दोस्तों इस मैल को कैसे हटाते हैं, आज हम इसको कैसे रिमूव करते हैं आज बताने वाले हैं। दोस्तों आपके घर में तकरीबन लोग इसको क्या करते हैं, यानी स्क्रू ड्राइवर या चाकू या खैंची या ब्लेड के सहारे इसको निकालते हैं। दोस्तों ये निकालना अगर गलत है, क्योंकि दोस्तों इसको निकालने के बाद ये स्लो प्लेट का जो ये रहेगा पूरा एकदम निकल जाएगा, सही से इस्तरी नहीं होंगे आपके कपड़ों को, अर्थिंग आएगा। दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं, यानी ये जो देख सकते हैं आप मेरे हाथ में है क्रोसिंग गोली। दोस्तों ये टैबलेट है, ये टैबलेट से हम इसको आज रिमूव करेंगे, एकदम साफ कर देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसको आयरन को 220 वोल्ट यानी पावर में लगाएंगे, इसको पहले गर्म होने देंगे। नए आयरन को साइड में रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको 220 वोल्ट में लगाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पावर में लगा लिया है, इसके बाद स्विच को ऑन करेंगे। देख सकते हैं ये ऑन हो गया। दोस्तों यहाँ पर एक लाइट आती है, इसमें से तो कैमरे में तो नहीं दिख रही होगा, ये ज्यादा गर्म होने के बाद ये लाइट बंद हो जाती है। इसको हम थोड़ा ज्यादा गर्म होने देंगे, इसके बाद ही इसका जो मैल है इसको रिमूव करते हैं।
और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए शुक्रिया। और दोस्तों हमारे 900 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 1K सब्सक्राइबर करिए, प्लीज सपोर्ट करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं। जब तक के लिए शुक्रिया।